नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि जियो का टावर कैसे लगवाएं, लेकिन उससे पहले, उसकी प्रोसेस जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, एक रुपये भी कहीं भी नहीं लगते हैं। अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप समझ जाइए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। इसकी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होती है, इसमें फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद से जियो की तरफ से इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ लोग आते हैं, अगर उनको सही लगता है तो वो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के बाद वहाँ पर टावर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उसी हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से टावर स्मॉल रहेगा या बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, उसी हिसाब से वो लोग रेंट बताएंगे और उसी हिसाब से मंथली आपको अर्निंग होगी। तो वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग चेक करते हैं आके। ये 15 साल का एग्रीमेंट होता है, हर वो एग्रीमेंट जो है 15 साल के लिए करवाया जाता है और 3 साल में ये एग्रीमेंट रिन्यू हो जाता है और हर 3 साल में आपका 10% रेंट बढ़ जाएगा, यानी कि जितना भी पैसा आपको मिलेगा उसमें हर 3 साल में 10% बढ़ा दिया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई ब्रोकर नहीं होता है, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कंपनी की तरफ से लोग आएंगे और वो इंस्पेक्शन करके जाएंगे। और एक मैं बात नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके यहाँ टावर लग ही जाएगा आके। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर कि क्या आपकी लोकेशन में लगाना सही है या नहीं। यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए उन लोगों को कि आपके लोकेशन के आसपास कोई दूसरा टावर लगा है या नहीं लगा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो लोग, वो लोग जो है आज चेक करने के बाद पूरा पता बताते हैं कि आपका लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या है इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि ब्राउज़र में आ जाना है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर मैं जियो की वेबसाइट में आ जाता हूँ। अगर आपको जियो की टावर वाली वेबसाइट नहीं पता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, आई हैव लैंड और प्लॉट। अगर आपके पास लैंड या प्लॉट है तो आप उसमें जो है लगवा सकते हैं। और आपके पास अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का मतलब यहाँ नहीं है कि 10-12 फ्लोर हुई हो, अगर आपके पास 3-4 फ्लोर भी हैं तो भी आप वहाँ पे लगवा सकते हैं। आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास जो है 2 मंजिला इमारत है या 3 मंजिला इमारत है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ फ्लैट लैंड और प्लॉट को नहीं सिलेक्ट करके आई हैव बिल्डिंग पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगला प्रोसेस आ गया। तो यहाँ पर पिन दिख रही होगी आपको, मैप दिख रहा होगा। तो इस पिन को जो है आपको ले जाना है उठा के जहाँ भी आपका प्लॉट है या आपकी जहाँ पे बिल्डिंग है और उसके ऊपर जाके इस पिन को छोड़ देना है। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपका पिन कोड और एड्रेस वगैरह। तो आपको फिर यहाँ पर जब एड्रेस आपका डिटेक्ट हो जाएगा तो आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो कंफर्म बटन पे हम क्लिक करते हैं और अगली प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर आपको फिर मांगेगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, चालू मोबाइल नंबर, क्योंकि उसकी OTP आएगा। तो हम मोबाइल नंबर पे डाल देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखिए OTP सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर पे OTP गया है उसको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे OTP डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल व्हाट्सएप असिस्टेंट। अगर आपको व्हाट्सएप असिस्टेंट चाहिए, व्हाट्सएप से सहायता चाहिए, अगर जियो की टीम से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से जो हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसको अनेबल रखना है, नहीं तो डिसेबल कर देना है। तो यहाँ हम इसको अनेबल करके रखते हैं। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपका प्रॉपर्टी ओनरशिप, आपकी जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है या आपका प्लॉट है, वो आपका खुद का है या दूसरे का है। अगर आपका खुद का है तो अपना खुद का यहाँ पे पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, दूसरे का है तो दूसरे का डिटेल भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है मैं अपना डिटेल भर देता हूँ। तो डिटेल भरने के बाद जो है आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्लोर्स। नंबर ऑफ फ्लोर्स का मतलब यहाँ पर है कि आपकी बिल्डिंग जो है कितने मंजिले की इमारत है। अगर आपकी दो मंजिले की इमारत है, एक मंजिले की इमारत है, तो अपना आपको चुन लेना है। मैं यहाँ पर आपको तीन मंजिले की इमारत चुन लेता हूँ। और पूछ रहा है इसमें एज ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, यानी कि प्लॉट घर बना जो हुआ है, वो कितने समय पुराना हो गया, कितने साल पुराना हो गया है। तो 0 to 5 years में यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और बिल्डिंग का टाइप चुन लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंगल बिल्डिंग है, मल्टीपल बिल्डिंग नहीं है, तो सिंगल बिल्डिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनी अदर ऑपरेटर टावर इंस्टॉल्ड, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या वहाँ पर किसी और कंपनी का भी टावर इंस्टॉल्ड है। तो आपको अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है, फिर इसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जो है सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब वहाँ से जियो की टीम आएगी, इंस्पेक्शन करेगी और वो देखेगी, अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो वो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बताएंगे और वहाँ पे आपको लगा देंगे आपका टावर जो आपको लगाना होगा। लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं देता है कि लग ही जाएगा, वो पहले लोकेशन को देखेंगे। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी डिटेल्स डज नॉट गारंटी इंस्टॉलेशन ऑफ टावर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स डाल दी है तो आपका जो है टावर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा है बीवेयर ऑफ फॉरेस्टर्स आस्किंग फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर कोई फ्रॉड आपके पास बंदा आता है और इसमें पैसे के चार्ज मांगता है, पैसे लेने की कोशिश करता है, तो आप लोगों को उनसे सावधान रहना है क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आर टीम डज नॉट कलेक्ट एनी मनी टुवर्ड्स सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो कहते हैं कि जियो की टीम जो भी आती है कोई भी पैसे नहीं लेती है आपसे, आप किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है और ना ही किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करना पड़ता है। इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।